पिछले 2-3 सालों से स्मिटन से इतनी ज्यादा शॉपिंग की है मैंने कि हर दूसरे तीसरे ऑर्डर पर एक पाउच आता ही आता था, और इनिशियली तो ये हर एक ऑर्डर पर एक पाउच फ्री देते थे। तो अभी मेरे पास कुछ इतने पाउचेस अवेलेबल है। इसके अलावा तो बहुत सारे पाउचेस मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या करती मैं भी। तो हेलो माय लवलीज, क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और शुरुआत करते हैं इस क्यूट सी पोटली से। तो ये पोटली आपको मिलेगी इनके 5 ऑफ स्क्रंचीज वाला जो सेट आता है ना, उसमें तो कुछ इस टाइप की स्क्रंची मिलती है, जिसमें से मेरे पास अभी 2-3 बची है, बाकी तो मैंने कहीं कहीं घुमा दिए। तो इस टाइप की इसमें आपको पोटली मिल जाती है, मैंने इसे ऐसे ही इंक्लूड कर दिया। अगर आपको पोटली चाहिए हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और स्क्रंचीज तो 5 इसमें मिलेगी ही मिलेगी, तो ये आपको बक सेक्शन में भी मिल जाएगा और ट्रायल सेक्शन में भी। नेक्स्ट है ये बहुत ही बेसिक सा पाउच जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है स्मिटन की। ये मुझे एक ट्रायल ऑर्डर पर ही मिला था और अच्छा है इसकी क्वालिटी, अगर आप नॉर्मल कार्ड्स वगैरह रखना चाहते हो तो उसके लिए सही है। बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन कार्ड्स वगैरह रखने के लिए सही है। तो अगर ये आपको फ्री गिफ्ट में मिलता है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पाउच की, जो कि है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिस्ता ग्रीन कलर का पाउच। और ये जो मैंने आपको अभी ग्रे वाला पाउच दिखाया उसी का सेम पाउच है, बट इसकी चेन की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। वो जो मैंने आपको ग्रे वाला पाउच दिखाया था उसकी चेन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी, ये वाला थोड़ा सा अटकता है ओपन और क्लोज करने में, बाकी लेदर इसका ज्यादा सॉफ्ट। तो आप इसे भी ले सकते हो फ्री गिफ्ट में, तो कोई सा भी ले सकते हो। नेक्स्ट है ये आइकॉनिक लेडी वाला पाउच, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट थी। मैंने आप लोगों को रिसेंट में ही इसके अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था। मैंने सोचा था कि ये इतना बड़ा आने वाला है जो ये लैक्मे वाला पाउच है इसके बराबर, बट एक्चुअल में ये बहुत ही छोटू सा आया है। और इसके लिए मैंने जितने भी बक्स पे किए थे बहुत ज्यादा पे किए थे। क्वालिटी दिखने वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये उस पर खरा नहीं उतरा है। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 2-3 ट्रायल पॉइंट में ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पाउच, जो कि पाउच नहीं एक धोखा है, जो कि मुझे मिला है। मैंने ये वाली पिक्चर जो स्क्रीन पर नजर आ रही है इसे देखकर समझा था कि ये एक वॉलेट है और ऑर्डर कर दिया था डिटेल्स पढ़े बिना, और ये एक्चुअल में क्या निकला, एक पासपोर्ट कवर। तो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी तुरंत में कि मैंने इसमें कहां अपने बक्स वेस्ट कर दिए, क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास है नहीं और इसका यूज मेरे लिए कोई है ही नहीं, तो मैं इसका क्या करूंगी मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे का ऐसा ही रखा है अभी तक। अगर पासपोर्ट कवर चाहिए हो तो ही इसे ऑर्डर करना। नेक्स्ट पाउच है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेवी ब्लू कलर में। इस पर बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा हुआ है, जस्ट कीप ट्राइंग। लेकिन इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा हार्ड है और ये मुझे इस टाइप से मुड़कर रिसीव हुआ था, जिसके कारण इस पर पूरे स्क्रैचेस बन गए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हार्ड पाउच है इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा स्क्रैच भी आ गए हैं। चेन की क्वालिटी डिसेंट है, अंदर से पाउच वगैरह जो है वो नॉर्मल है। अगर ऐसे ही आपको कुछ कार्ड और कैश वगैरह रख कर ले जाने के लिए कुछ कोई पाउच चाहिए तो आप ले सकते हो। बाकी इसमें भी 2-3 से ज्यादा ट्रायल तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं है इन सभी पाउचेस की। जिसकी अच्छी क्वालिटी है वो पाउच है ये वाला स्मिटन का व्हाइट बेसिक वैनिटी पाउच। इस पर सिर्फ स्मिटन लिखा हुआ है एंड पूरा व्हाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर की चेन लगी हुई है अंदर। इतना ज्यादा स्पेशियस वैनिटी पाउच है ये कि ये पाउच ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना आए। इस पर बहुत सारे सामान आपके आ जाएंगे, चाहे आप मेकअप रखना चाहते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट रखना चाहते हो, सब कुछ आराम से इसके अंदर समा जाएगा। तो आपको अगर ये पाउच कभी दिखता है तो आप इस पर 4-5 ट्रायल पॉइंट्स तक भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना ज्यादा अच्छा है। इसका लेदर भी काफी अच्छा है एंड चेन जो है इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है एकदम। तो डेफिनेटली बाय कर लेना, फ्री गिफ्ट में मिल जाए तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पाउच, जो कि पाउच नहीं एक वॉलेट है, और स्मिटन के अपने बक्स वाले सेक्शन में और ट्रायल सेक्शन में दोनों जगह ये वाले वॉलेट देखे ही होंगे। तो ये कुछ इस टाइप का वॉलेट है, बहुत ही ज्यादा स्लीक सा, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना इस पर अपने ट्रायल पॉइंट इन्वेस्ट करना, ना ही इस पर अपने बक्स इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक तो बहुत ही कम स्पेस है इसमें, और अगर चेन वगैरह ठीक है लेकिन ये जो लेदर है ना, ये लेदर अगर आप साइड से देखेंगे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। बाकी इसका टिक सही से काम करता है, लेकिन अगर आप इस पर कैश और कार्ड के अलावा कुछ और रखने की सोच रहे हो, सपोज मोबाइल रखने की सोच रहे हो, तो आपका मोबाइल बिना कवर के एकदम दुबला पतला सा होगा तो ही समाएगा, अदरवाइज नहीं समाने वाला इसमें कुछ। और उतना अच्छा लगता भी नहीं है ये देखने में भी, मतलब स्टिचिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेकार है, ये कॉर्नर्स भी आप देख ही सकते हैं,
तो मेरे हिसाब से आप इसे बिल्कुल बाय मत करना, और अगर आपको फिर भी बाय करने का मन कर रहा है तो कर लेना। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, अच्छा हुआ मैंने इसके सारे कलर्स नहीं बाय किए। नेक्स्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफ वाइट कलर का पाउच, जो कि हल्का सा क्रीम कलर में भी लगता है बट ऑफ वाइट ज़्यादा है, और इसमें जो लेदर यूज़ किया गया है ये थोड़ा सा शाइनी है और ये ब्रेडेड इफेक्ट है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो ओवरऑल पाउच जो है नॉर्मल पाउच से थोड़ा बड़ा भी है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। चेन की क्वालिटी एंड अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लोकल है, तो ये उतनी अच्छी नहीं है क्वालिटी वाइज, लेकिन बाहर से जो इसका लुक है ये काफ़ी सुंदर है। तो अगर आप नॉर्मल से छोटा मोटा मेकअप रखना चाहते हो तो इसके लिए बाय कर सकते हो। नेक्स्ट पाउच हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल सा, क्योंकि ये स्मिटन का नहीं है, ये लैक्मे का पाउच है, जो कि अवेलेबल हुआ था हमारे स्मिटन बक्स वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो बक्स में। हाँ जी, जीरो बक्स में हमने बहुत सारे पाउचेस ऑर्डर किए थे। बैक साइड पर ये पूरा सिल्वर कलर का है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, चेन क्वालिटी अमेजिंग, एंड यहाँ पर अंदर अगर स्पेस की बात करें तो आपको अलग से ब्रशेज एंड ऑल रखने के लिए अलग अलग पाउच भी मिलेगा, यानी स्पेस जो मिलता है, और अंदर आपको इस टाइप से अगर कुछ और सामान रखने हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा मेकअप का सामान, सब कुछ इसमें आराम से आ जाएगा। लैक्मे की ब्रांडिंग है, लेकिन मिला हमें स्मिटन से ही था, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ये वापस से स्टॉक में आया ही नहीं है, जब भी ये स्टॉक में आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, बाकी आप डेफिनेटली इसे बाय करना। हमारे पास लास्ट पाउच है स्मिटन का, ये वाला जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एंड स्पेशियस पाउच है, ये भी मैंने बक्स वाले सेक्शन से लिया था, और इसके अंदर आप बहुत सारे सामान आराम से रख सकते हो। इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए हैं, और ये टाइम के साथ ना इसका जो लेदर है वो हार्ड हो गया है, तो मेरे ख्याल से अभी तो ये स्टॉक में नहीं है, बट स्टॉक में आएगा। आपको कोई स्पेशियस पाउच चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हो, वर्थ बाइंग है। बाकी थोड़ा सा हार्ड हो गया इसका पाउच, चेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो डेफिनेटली ये अच्छा पाउच है। तो इन सभी पाउचेस में से मेरा फेवरेट है वाइट वैनिटी पाउच और लैक्मे वाला जो अभी मैंने आपको लास्ट में दिखाया। इसके अलावा सारे पाउच डिसेंट है, अगर आप लोगों को कम बक्स में या कम ट्रायल पॉइंट्स में मिलते हैं या फ्री में मिलते हैं तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना। एंड इसके अलावा मेरे पास कुछ बॉक्सेस भी है स्मिटन के, अगर आपको वो दिखना होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार करते हैं ख़त्म, जिन्होंने भी आज के गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था आप सभी को थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था आज के गिव अवे का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे विनर्स को ढूंढना। तो यहाँ पर आपको मैं एकदम लाइव रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, 3:01 में आई गेस जो क्वेश्चंस है वो लाइव हुए थे। वैसे तो मैंने 3 बजे का ही शेड्यूल किया था, लेकिन 3:01 पर लाइव हुए थे, और यहाँ पर आपके पास जो रिकॉर्डिंग सामने है वो है 3:02 की, और 3:02 में ही काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला काम हो गया है मैक्सिमम लोगों के साथ। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी का सही है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम खेला है आप लोगों के साथ, और मैक्सिमम लोग उस गेम में फंस गए। आपको सिंपल सा मैंने नीचे नोट भी बना कर दिया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा आपको काउंट करना था, अगर पैक ऑफ 3 रेजर है तो आपको उसको 3 रेजर काउंट करना था, और जो सिंगल रेजर है उसको सिंगल रेजर काउंट करना था। और उसके अलावा मैंने आपको उस वीडियो में, सिरोना वाली जो वीडियो है, उस पर आप लोगों को जो ब्लेड होती है, मतलब आपके नॉर्मल रेजर के हेड पर जो हम ब्लेड लगाते हैं, ब्लेड कार्ट्रिज, उसको मैंने कहा था मत इंक्लूड करना। फिर भी मैक्सिमम लोगों ने पता नहीं जल्दबाजी में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किसी ने 14 लिखा है, किसी ने 10 लिखा है, किसी ने 7 ही लिखा है, तो उन सभी के आंसर जो है फर्स्ट वाले वो रॉन्ग हो जाते हैं उस वजह से। एंड साथ ही साथ आप लोगों को एक और बात बतानी है, जो कि मैं आप लोगों को विनर्स के अनाउंसमेंट के बाद बताऊंगी। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे विनर्स कौन कौन है। यहाँ पर मैं तुरंत रिफ्रेश करके देख रही थी ना, तो आप लोग भी देख सकते हैं, मेरी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जिस दिन गिव अवे होता है, तो तुरंत मैं यहाँ रिफ्रेश करते जा रही थी पेज, और कॉमेंट जो है वो ऐड होते जा रहे थे। तो चलिए अब हम चलते हैं शाम के 5 बजे वाली रिकॉर्डिंग पर, जहाँ पर सभी लोगों के कॉमेंट्स आए हुए हैं, तो हम वहाँ से अपना विनर जो है वो निकाल लेते हैं कि कौन हमारा आज का असली विनर बना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी शाम की रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने लगभग 2 घंटे बाद, यानी क्वेश्चन मैंने 3 बजे पोस्ट किया था, और ये रिकॉर्डिंग है 4:49 की। सबसे पहला आंसर जो है वो अंकिता मोहंती का आया है, लेकिन आंसर उनका फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकेंड जो है वो पूजा न्याति का आंसर है, और इनके तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, तो हमारी फर्स्ट विनर हमें मिल गई है पूजा न्याति।
मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पूजा। उसके बाद हमारे पास जितने भी कमेंट्स नजर आ रहे हैं सबके आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है किसी में 5, किसी में 3, किसी में 15 लिखा हुआ है, तो ये सारे आंसर गलत है। एंड फाइनली हमारा एक और आंसर जो है ये सही नजर आ रहा है। हाँ जी, तो हमारा सेकेंड विनर जो है वो है डोंथू लहरी। तो आपका नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो पहले तो सॉरी, एंड ये हमारी सेकेंड विनर बनते हैं। तो आज के फर्स्ट विनर है पूजा न्याति और जो सेकेंड विनर है वो है डोंथू लहरी। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप लोग मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिएगा जो भी आपको ऑर्डर करना होगा, चाहे आप 1500 वाला कूपन रिडीम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप 500 डर्मा कैश जो है वो भी रिडीम कर सकते हैं, शिपिंग आप लोगों को पे करनी होगी। तो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात की। अगर आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन वाला जो पोस्ट था वो पढ़े होंगे तो 3 क्वेश्चन के नीचे एक बोनस क्वेश्चन था और उस बोनस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही कम लोगों ने दिया है। तो आज की ये बोनस क्वेश्चन जो था उसके लिए जितने भी लोगों ने आंसर किया है उन सभी को मेरी तरफ से 220 डर्मा कैश मिलेगा। और जिन लोगों ने बोनस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है आप लोगों ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। बोनस का मतलब ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी यूट्यूब से रिलेटेड सजेशन दिए हैं उन सभी को 200 डर्मा कैश मिलेगा, 220 डर्मा कैश मिल जाएगा, जिसमें आपको 349 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 121 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ऑर्डर करना होगा डर्मा से तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, या फिर मैं आप लोगों को 400 रुपीज़ ऑफ वाला कूपन दे सकती हूँ माइग्लैम का। तो जो भी आप लोगों को चाहिए होगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में कहीं पर भी कनेक्ट कर लेना। जितने भी लोगों ने मुझे सजेशन दिए हैं शाम के 5 बजे तक उन लोगों का नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ, ऑलमोस्ट 9 से 10 लोग हैं। तो आप सभी को आपके 220 डर्मा कैश या फिर 400 रुपीज ऑफ वाला माइग्लैम का कूपन मिल जाएगा। आपको जो नीड होगी आप मुझे बता देना कॉन्टेक्ट करके। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोगों ने यहाँ पर आज विन किया है, और नेक्स्ट गिव अवे जब भी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उन सभी का भी दिल से शुक्रिया। आप लोगों के पार्टिसिपेशन से बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी मेंटेन होती है यहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सब नेक्स्ट गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। निराश भी नहीं होना। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट गिव अवे जब भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक के लिए हर एक वीडियो पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सजेशन दिए ना लोगों ने कि मेरा दिल ही खुश हो गया था सजेशन पढ़ के। और जो मैक्सिमम लोग बाद में आराम से कमेंट किए हैं ना 4 बजे के अराउंड, उन लोगों ने बहुत अच्छे से आराम से सजेशन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सजेशन कितना बढ़िया है। ये जो भी है इनका नाम तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यूजर आईडी दिखा रही है। ये मैं यूट्यूब पर जाकर देख लूंगी इनका नाम क्या है। बाकी इन्होंने इतना बड़ा सजेशन दिया है, इतने अच्छे से लिख कर दिया है। तो जितने भी लोगों ने सजेशन दिया था शाम के 5 बजे तक उन सभी को मेरी तरफ से 220 डर्मा कैश या फिर 400 रुपीज ऑफ वाला कूपन मिल जाएगा। आप लोगों को जो चाहिए होगा आप मुझे बता सकते हैं, और ये एक बोनस क्वेश्चन था इसलिए ये बोनस ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो चलिए, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्मिटन पाउचेस के अलावा जो स्मिटन बॉक्सेस हैं मेरे पास उनका भी आपको हॉल देखना है क्या, रिव्यू देखना हो तो ज़रूर बताइएगा। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हयात।